हाय गाइस, मैं उशान, आपका स्वागत है फैक्टबुल में एक बार फिर से एक नई जानकारी था। दोस्तों, साल 2008 में एक फिल्म आई थी करण जौहर की, दोस्ताना। जी हाँ, उस फिल्म में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन थे और पहली बार बॉलीवुड में मतलब गे टॉपिक जैसी कोई चीज़ उठाई गई थी। हालांकि फिल्म में असली में वो दोनों के नहीं थे, लेकिन ये एक फैक्टर बनाया गया था, एक कॉन्सिक्वेंसेस बनाया गया था, जिसमें ये लोग एक फ्लैट में रहते थे जहां पे सिर्फ कपल अलाउड थे। तो उन्होंने मकान मालिक को कहा था कि वी आर गे और उस तरीके से उसमें रहते थे। तो आपको बता दें भैया कि साल 2008 में ये फिल्म जो आई थी दोस्ताना, उसकी सिक्वल आ रही है और सिक्वल लेके आ रहे हैं वही करण जौहर जिन्होंने पहली भी लेकर आए थे। अब बताते हैं आपको इस फिल्म में खासियत क्या है। दरअसल इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे दोस्ताना 2 है तो कुछ वैसा ही इसमें कुछ होना चाहिए। तो भैया बता दें कि इसमें एक और स्टेप बढ़ के आगे बात चली है और वो सिर्फ गे तक ही सीमित नहीं है, कुछ और भी इसमें कहानी है। कहानी क्या है कि भैया बता दें, इसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में होंगे, उनके साथ जाह्नवी कपूर होंगी। अब आप सोच रहे होंगे दोनों एज अ हीरो हीरोइन होंगे, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन भाई बहन के किरदार में, जी हाँ भाई बहन के किरदार में है। और इस फिल्म में खास बात यह होगी तो दोनों का लव इंटरेस्ट होगा वो कोई एक लड़का होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब जाह्नवी कपूर जो उनके सिस्टर बनी है वो भी एक लड़के से प्यार करती हैं, कार्तिक आर्यन जो बॉय है वो भी एक लड़के से ही प्यार करते हैं। मतलब इस तरीके से ये फिल्म बनी हुई है। काफ़ी मतलब लगा नया टॉपिक है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में ऐसी चीज़ें बन चुकी है लेकिन बॉलीवुड में ये नया टॉपिक है। देखना ही होगा दर्शक इस चीज़ को कैसे लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि अभी जो इसका थर्ड कैरेक्टर है, जो मेन हीरो होगा यानी कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर का हीरो, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। डायरेक्टर्स इसकी खोज रखे हुए हैं, जारी है खोज, कौन देखिए हीरो बनता है इन दोनों का ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल इसको लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही थी कि इस फिल्म की जब शूटिंग हो रही है भैया दिल्ली में, तो वहां पे क्या हुआ कि शूटिंग के दौरान दिल्ली में देखा तो अब स्मॉग तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वहां का पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि ये जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं वहां सस्टेन नहीं कर पा रहे, वहां सांस नहीं ले पा रहे। उन्होंने डायरेक्टर से शिकायत की कि हम यहां पे अच्छे से सांस ले नहीं पा रहे, खुल के एक्टिंग नहीं कर पा रहे। और कैमरा मैन की शिकायत ये रही कि वो इस धुंध भरे मौसम में शूट नहीं कर पा रहा है, कैमरे में वो कलर वो वाइब्रेंस नहीं आ पा रही है। तो भैया डायरेक्टर्स की बात माननी पड़ी प्रोड्यूसर को और फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है हाल फिलहाल के लिए। और अब इस फिल्म की शूटिंग तभी होगी जब दिल्ली का मौसम सही होगा। ऐसा ये है कि फिल्म की शूटिंग हर जगह होती है, बहुत सारी जगह होती है। इस फिल्म की शूटिंग कुछ पार्ट दिल्ली में भी होना था लेकिन मौसम नहीं सही होने की वजह से अब इसको स्थगित कर दिया गया। अब देखते हैं इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कब होती है। पिछले दिनों कार्तिक आर्यन ने ट्विटर हैंडल पे मतलब अपनी फोटो शेयर की थी और बताया था कि दिल्ली का मौसम सही नहीं लग रहा, सिर्फ उन्हें शूटिंग करने में परेशानी हो रही है। आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं कि बॉलीवुड के एक्टर्स दिल्ली में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म द व्हाइट टाइगर की शूटिंग कर रही थी, उन्होंने मास्क के साथ अपनी फोटो ट्विटर पर जारी की थी और कहा था कि पता नहीं कैसे दिल्ली के लोग रह लेते हैं इस मौसम में, मैं तो इस एनवायरमेंट में सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो भैया ये हालत है दिल्ली की और जिसकी वजह से काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग रोकनी पड़ रही है क्योंकि मौसम और पोल्यूशन वहाँ पर इतना अजीब है कि जो बाहरी लोग हैं वो रह नहीं पाते। दिल्ली के लोगों को शायद इसकी आदत पड़ चुकी है लेकिन बाहर के लोगों को अभी इसकी आदत नहीं पड़ी। मैं पर्सनली बता दूं, मैं भी दिल्ली रह चुका हूं कुछ समय के लिए, तो दिल्ली में मुझे एनवायरनमेंट सच में यार वाकई कंसर्न करता है। वाकई वहां के लोग गजब है कि यार आराम से रह लेते हैं ऐसी जगह पे, वाकई खतरनाक पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में मिलता है। ओ खैर, ये तो बात की बात है, पोल्यूशन तो हर जगह है, आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। खैर जो भी बात हो, हमारी खबर तो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हुई है और ये फिल्म खबर थी दोस्ताना की सीक्वल को लेके। अभी इसके बारे में कोई फर्स्ट लुक वगैरह नहीं जारी हुआ है, जैसे इसका फर्स्ट लुक जारी होगा या टीजर ट्रेलर कुछ भी आएगा हम बताएंगे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों चलते फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए बाय। जाते जाते दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है और आप हमें चैनल पे वो रेगुलर आते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब हम नया वीडियो लाएंगे आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर दोस्तों इजाजत दीजिए, अलविदा।